हाय फ्रेंड्स, आज हम आप लोगों के साथ हरी वाली मिर्च की सब्ज़ी की रेसिपी शेयर कर रहे हैं। ये तीखी नहीं होती है। देखिए, हमने पानी से इसको धो लिया है। अब इसको पतला पतला लंबा लंबा कट कर लेते हैं। इसकी सब्ज़ी काफ़ी टेस्टी बनता है, आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा। इसी तरह से हम पूरे सब्ज़ी को कट कर लिए हैं। अभी दूसरे बाउल में इसको ट्रांसफ़र कर देते हैं। इसमें ठंडा पानी ऐड करके इसके बीज को निकाल लेंगे। आप चाहें तो इसके बीज का इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, हमने पूरे पानी से इसके सब्ज़ी को निकाल लिया है। दो चम्मच के करीब बेसन को भून लेंगे, इस सब्ज़ी में इस्तेमाल करेंगे। बेसन से सब्ज़ी का टेस्ट काफ़ी बढ़ जाता है। इस देखिए, बेसन भून चुका है, इसको निकाल ले रहे हैं। हमने सरसों का तेल ऐड किया है। तेल गरम हो गया है, इसमें आधा चम्मच खड़ा जीरा ऐड करेंगे। जीरा का कलर चेंज हो गया है। दो मीडियम साइज़ के प्याज को हमने बारीक कट किया था, इसको भूनेंगे। लहसुन को हमने कूट कर लिया था, इसको ऐड करके प्याज के साथ ही इसको भून लेते हैं। हल्दी पाउडर, काश्मीरी लाल मिर्च एक छोटा चम्मच ऐड करके भूनेंगे। एक छोटा चम्मच धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, इसको अच्छे से भून लेंगे। थोड़ा पानी ऐड कर देते हैं जिससे मसाला जले ना। नमक स्वाद अनुसार ऐड करेंगे। अमचूर पाउडर एक चम्मच, अमचूर पाउडर से टेस्ट अच्छा आता है। गरम मसाला एक चम्मच ऐड करके मसाले को कलर चेंज होने तक अच्छे से भूनेंगे। देखिए, मसाला भुन रहा है। इसमें भुना हुआ बेसन को ऐड करके अच्छे से इसको भी चलाते हुए भूनेंगे। मसाला का तेल सेपरेट हो गया है, अब इसमें सब्जी को ऐड करेंगे। मसाले के साथ कुछ देर तक सब्जी को भी भुनेंगे। इसको कवर करके 5 मिनट तक भुनेंगे, बीच बीच में चलाते रहेंगे। देखिए, सब्जी भी अच्छे तरह से भुन चुका है। इसमें थोड़ा पानी ऐड कर देते हैं। सब्जी को हमको सूखा ही रखना है, इसलिए ज़्यादा पानी ऐड नहीं करेंगे।
देखिए सब सब्जी बनकर रेडी हो गया है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करें।